हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जेई मेंस और एडवांस के बारे में बताना चाहती हूँ और बहुत बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट क्या होता है, बोलते हैं सर मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है। अब मैं पूछता हूँ आईआईटी में क्या होता है, तो उनको कई बार नहीं पता होता। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, जो स्टूडेंट 9th में है, 10th में है, फ्यूचर में उनको अगर आईआईटी में एडमिशन लेना है, क्या होता है वहाँ पर, कैसे होता है पूरा प्रोसेस, बहुत आराम से बताऊंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा और इसकी एक सीरीज सी बनाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जैसे बच्चे जब 9th और 10th में होते हैं तो कुछ वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, किस फील्ड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रीम चूज करते हैं। कोई पीसीएम लेता है, कोई पीसीबी लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है। तो जो भी स्टूडेंट पीसीएम लेते हैं और वो अगर फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो आईआईटी में एडमिशन लेने की सोचते हैं। तो आईआईटी कोई डिग्री नहीं है, आईआईटी एक कॉलेज है, ऐसे टोटल 23 कॉलेज हैं इंडिया में। तो उसके लिए एक एग्जाम होता है। देखिए, इंजीनियर तो आप कहीं से भी बन सकते हैं। सपोज करो आपने 12th कंप्लीट किया पीसीएम से और आपने कहीं अप्लाई किया, यानी कि आप वहाँ पे बीटेक या बीई कर सकते हैं। लेकिन बात है जो क्वालिटी चाहिए, इसीलिए लोग आईआईटी में ज्वाइन करना चाहते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे आप 12th तक पढ़ाई करते हो तो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में पढ़ाई करते हो, लेकिन सभी का स्कूल का जो सिलेबस है वो तो सेम है, लेकिन क्या है कि पढ़ाने का मेथड, टीचर और वहाँ का माहौल वो डिपेंड करता है उस स्कूल पर। उसी के बेसिस पे आपकी परसेंटेज और बहुत सारी चीज़ मैटर करती हैं, इसलिए लोग ट्राई करते हैं अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें। सेम चीज़ यहाँ पे, इंजीनियरिंग भी आप कहीं से भी कर सकते हो आफ्टर 12th, लेकिन अगर आपको अच्छी जगह से करना है तो उसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। तो वैसे ही अगर आपको आईआईटी से बीटेक करना है, उसके लिए आपको जेईई का एग्जाम देना होता है। जेईई का मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और ये एग्जाम होता है कि टॉप के जो कॉलेज हैं आईआईटी, एनआईटी, सीएफटीआई, इन कॉलेज के लिए एग्जाम करवाता है। ये एग्जाम दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है जेईई मेन और एक होता है जेईई एडवांस। तो एक चीज़ आप क्लियर कर लो, जो जेईई का पेपर होता है वो सिर्फ आईआईटी के लिए नहीं होता है, वो एनआईटी के लिए भी होता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IIIT के लिए भी होता है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और तीसरा सीएफटीआई के लिए भी होता है, यानी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और जो जेई एडवांस का पेपर होता है वो आईआईटी के लिए होता है। इसको मैं थोड़ा कंक्लूड करूँ तो जेई के दो पेपर होते हैं, एक मेन और एडवांस, और मेन अगर होता है तो वो तीन चीज़ों के लिए होता है, एनआईटी, IIIT एंड सीएफटीआई, और एडवांस जो होता है वो आईआईटी के लिए होता है। इसका मतलब है ये एग्जाम आपको टॉप मोस्ट कॉलेज दिलवाता है, इसीलिए इसको लोग प्रेफर करते हैं। बाकी आप अगर सिर्फ इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि हाँ, जैसे हम स्कूल चूज करते हैं अच्छे से अच्छा, वैसे ही टॉप मोस्ट कॉलेज है इंडिया के, तो उनके लिए ये जेईई का एग्जाम होता है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होगी कि हाँ, इंजीनियरिंग के लिए जेईई का पेपर होता है। और अब जब जो भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो सभी स्टूडेंट को पहले मेंस के लिए अप्लाई करना होगा, तभी जाके वो एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जरूरी नहीं कि आप एडवांस का पेपर दें, अगर आपको लगता है कि आपकी जो रैंक मेंस की आई है और उससे आप एनआईटी लेके खुश हैं तो आप पेपर नहीं भी दें तब भी चलेगा एडवांस का। लेकिन अगर आप आईआईटी में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको एडवांस का पेपर देना पड़ेगा। तो हर साल 12 से 13 लाख लोग अप्लाई करते हैं जेईई मेंस के लिए, रिजल्ट आने के बाद 2 लाख लोगों को चूज किया जाता है जेईई एडवांस के लिए। जब आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो जोसा ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, यानी कि जोसा जो है वो आपका काउंसलिंग करवाएगी, यानी कि आईआईटी के लिए, IIIT के लिए, एनआईटी के लिए और सीएफटीआई के लिए, यानी कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो जोसा काउंसलिंग प्रोसेस करवाएगी इन सभी कॉलेज के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 23 आईआईटी हैं। आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, चेक कर लीजिए कौन कौन से 23 आईआईटी हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एनआईटी को देख सकते हैं, IIIT को देख सकते हैं और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट को भी देख सकते हैं। तो अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूँ इस वीडियो को तो आप ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं, यानी कि जेई पहले ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, वो दो पार्ट में डिवाइड है, मेंस एंड एडवांस। मेंस के अंदर कॉलेज आते हैं आपके एनआईटी, IIIT, सीएफटीआई, और अगर एडवांस के अंदर आईआईटी आता है जब आप एडवांस क्वालिफाई करेंगे, और इसकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जोसा करवाता है, यानी कि ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। तो इस वीडियो में आपको एक बेसिक क्लियरिटी आई होगी कि जेई का एग्जाम होता क्या है, किस पर्पज से होता है, आई थिंक आपको क्लियरिटी आ गई होगी। बाकी अगर कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आप किस पर वीडियो चाहते हैं आप ये भी मेंशन जरूर कर दें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसकी नेक्स्ट सीरीज में, आपको बताऊंगा कि कितने आईआईटी हैं, उनमें कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, एनआईटीज में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, IIIT में कौन कौन सी हैं,
ऐसी सेम सीएफटीए में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, बाकी कब इसका एग्जाम होता है, जेई मेंस का कब एडवांस का होता है, कब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उन सभी की बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।